ये हदीस हमारा एंटीडोट है। सब लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं ये उनका एंटीडोट है आज के दौर में। अगर आपने दीन प्रैक्टिस करना है सो दिस इज द वे। देयर विल कम अ टाइम व्हेन अ मैन विल बी गिवन द चॉइस बिटवीन बीइंग लेबल्ड इनकॉम्पिटेंट एंड कमिटिंग इमोरालिटी। Whoever lives until that time should choose incompetence over immorality. एक टाइम आएगा कि तुम्हें इमोरल होना और इनकॉम्पिटेंट होना इसमें चॉइस दी जाएगी। क्या मतलब है? आज आप देख लें, जो बंदा दीन पे चलता है उसको क्या कहा जाता है? इनकॉम्पिटेंट है, ये बैकवर्ड है, ये जाहिल है, इसको कुछ नहीं पता, ये दुनिया से कट ऑफ है, ये मुल्ला है, ये टेररिस्ट है, इनको कुछ सोचना समझना नहीं आता, इनको बात करनी नहीं आती, इनमें इंटेलिजेंस कोई नहीं है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड के ये ताने सुन लेना, ये ताने बर्दाश्त कर लेना, लेकिन दूसरी लाइफस्टाइल की तरफ मत जाना। ये हमारे नबी की नसीहत है। और आज ऐसा होता है, व्हेन वी गो टू यूनिवर्सिटीज हमें वहां ताने सुनने पड़ते हैं। जो सिस्टर्स हिजाब शुरू करती हैं उनको ताना सुनना पड़ता है, फैमिली का अलग से, उस्ताद का अलग से, तरह तरह की नजरों से देखा जाता है उसे, उसे जज किया जाता है। और जो लड़का दाढ़ी रखने की कोशिश करे, नमाजें पढ़ने की कोशिश करे, मोरालिटी की बात करने की कोशिश करे अपनी क्लासरूम में, दाढ़ी तो अलग लेवल है ना, वो तो लेवल ही बहुत हाई है, सिंपल मोरालिटी की बात करने की कोशिश करे कि यार ये चीज गलत है, देन सी कि उसके साथ क्या होगा, उसके दोस्त उसका क्या हशर करेंगे, उसको किस किस तरह के अल्काबात से जो है बुलाएंगे। सो द एडवाइस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सबसे ज्यादा सिंसियर तरीन इंसान थे हमारे साथ, उनकी एडवाइस ये है कि चूज बीइंग कॉल्ड इनकॉम्पिटेंट बट डू नॉट चूज द वे ऑफ इमोरालिटी। बर्दाश्त कर लेना और अल्लाह तुम्हें उसका बड़ा अजर देगा बर्दाश्त करने का। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।